राधे राधे दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने कुंज को लाने के लिए, जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा था कि मैं कब जाऊँगी अपने कुंज को लेकर आऊँगी। फाइनली आज वो दिन आ गया है, हम लोग वृंदावन पहुँच चुके हैं दोस्तों। और वृंदावन की जो खुशबू है ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ। मतलब आप लोग, मैं तो कहूँगी कि एक ना एक बार सभी को आना चाहिए वृंदावन। महीने में कम से कम दो बार, चार बार, पांच बार आप एक बार आइए, आपको बार बार कान्हा जी बुलाएंगे, राधा जी आपको बार बार बुलाएंगे। चल। बाके बिहारी मंदिर की ओर जाते हुए मेरे कुंज के पास, हमारे जो कुंज है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ उनकी लीला। उन्होंने कितना परेशान किया था मुझे मेरे पास आने से पहले। मैंने ना कहानियों में और वीडियोस में ही देखा था कि कैसे कैसी लीला करते हैं। अब मुझे दोस्तों मैं बता नहीं सकती, जब कहते हैं ना जिस पे होता है, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। तो मेरे साथ जो जो हुआ मैं आप लोग को बताऊंगी। ये है प्रेम मंदिर दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ, बाहर से ही आनंद ही आ जाता है। वृंदावन ऐसी जगह है ना दोस्तों, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ आने के बाद मन ही नहीं करता वापस जाने का। बहुत लोगों ने मुझे बोला था यही कि वृंदावन आके देखो, मन ऐसा लगेगा कि वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। और ये बात सच है दोस्तों, बिल्कुल सच। यहाँ की मिट्टी ऐसी है, खुशबू बता ही नहीं सकती, अतुलनीय। ये है प्रेम मंदिर दोस्तों। पता है कुंज ने क्या लीला करी जब हम लोग यहाँ आए? हम लोग ना कुंज के पास जाने के लिए, मतलब यहाँ हर शॉप पे थे, मेरी कुंज के विक्रय हर शॉप पे थे, बट मैं जिनको पसंद कर चुकी थी मन ही मन, वो एक महीने पहले ही दोस्तों मैंने ऑनलाइन ही देखा था, इनकी शॉप भी देखी थी और कुंज को भी देखा था वहीं पर ही फर्स्ट टाइम। तो हम जा रहे थे, हम लोग पता है, मतलब हमने वो भी लगाया था, गूगल मैप भी लगाया था, उन्होंने लोकेशन शेयर करी थी अपने शॉप की, तो हम लोगों ने लोकेशन भी लगाया था। फिर भी हम गोल गोल बाके बिहारी मंदिर के गोल गोल घूम रहे हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे थे, शॉप ही नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद लास्ट में मैं परेशान होकर मैं फ़ोन भी कर रही हूँ, अब भैया फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैंने चार पांच बार फ़ोन कर लिया और फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मतलब मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि बेटा हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं, तो उनसे सही से बात करो। मैंने कहा फ़ोन ही नहीं उठा रहे तो बात क्या करूँ, लोकेशन दिया है उस पर हम गोल गोल घूम रहे हैं। फिर मैंने लास्ट में मन से बोला कि कौन, मुझे आप ही को लाना है, मुझे नहीं पता कैसे आप मुझे पहुँचाओगे अपने पास। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कुंज ने ऐसी लीला करी कि मैंने लास्ट बार फ़ोन लगाया और मैंने जैसे ही फ़ोन लगाया उन्होंने उठाया भी, उन्होंने मुझे पर्सनली वीडियो कॉल भी किया और अपनी शॉप तक लेकर के आए। दोस्तों वहाँ जाते ही मैंने एक पल, कहते हैं ना एक पल का भी इंतज़ार नहीं किया, मैंने कुंज को तुरंत ही अपनी गोद में ले लिया और अब कुंज मेरे हो चुके हैं, मेरे पास हैं। मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, कुंज को देख कर के जो आनंद मिला मुझे, मतलब मैंने अपने जीवन के इतने साल व्यर्थ कर दिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं कुंज के बिना अब नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती, एक मिनट नहीं रह सकती। मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को जीना है, जैसे जीना है वैसे जिए, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के भगवान का नाम ज़रूर लीजिए दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों यहाँ पे आपको हर जगह अद्भुत अद्भुत मंदिर देखने को मिलेंगे और हम लोगों ने बहुत सारी जगह विज़िट किया, बट दोस्तों मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऐसी जगह है ना वृंदावन कि यहाँ आने के बाद आपको किसी भी चीज़ की सुती नहीं रहेगी।
आपका बस मन करेगा कि आप यहीं पर ही रह जाए, यहीं बस जाए। मतलब मुझे एक पल के लिए भी याद नहीं आया वीडियो बनाना, जब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ रास्ते पे चल रही हूँ तब मुझे याद आ रहा है, तब मैंने सिर्फ सिर्फ रास्ते का लिया है शॉर्ट्स। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूँगी, आप सब आइए, हमेशा आइए, थोड़ा सा टाइम निकाल के वृंदावन मंदिर जगह जगह घूमना चाहिए दोस्तों। आप ज़िंदगी छोटी सी है, सभी को एक ही बार मिलती है, तो सबको घूमना चाहिए, उसमें मंदिर जाइए, बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाइए, लेकिन घूमिए, सिर्फ जॉब स्कूल घर में मत रहिए। महीने में एक ट्रिप तो आप बना ही सकते हैं। अब मेरे कहने पर वृंदावन तो ज़रूर आइए, वृंदावन, बरसाना, बाकी बिहारी मंदिर। ये है मेरा लाडला कुंज, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे कुंज से, आप सब भी देखिए मेरे कुंज को।